उत्तराखंड में बढ़ते नशे को लेकर उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन के जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में नशा कोई संयोग वश नहीं फैल रहा है, एक सोची समझी रणनीति के षड्यंत्र है जो उत्तराखंड के जोशीले और क्रांतिकारी युवाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। उत्तराखंड में 22 सालों से राज करने वाली राजनीतिक पार्टियों ने कभी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम यह है कि आज उत्तराखंड में लगभग 70% युवा नशे की चपेट में है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां कभी नहीं चाहती कि उत्तराखंड का युवा नशे के गर्त से बाहर निकले, लेकिन इस मकड़ जाल को युवाओं को खुद तोड़ना होगा और अब युवाओं ने ठान लिया है कि वह नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे और टीम बनाकर काम करेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमने ये ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को इसलिए दिया क्योंकि आजकल का माहौल जैसा भी हम देख रहे हैं हमारे शहर में आस पड़ोस में कि नशा चारों तरफ है, किसी भी दूसरी गली में चले जाओ कोई ना कोई नशा करते हुए मिलेगा और उसमें अधिकतर जो है लोग वो है 18 से नीचे वाले, वरना फिर 22 से नीचे वाले, उससे बड़े इतने लोग नहीं है क्योंकि युवाओं में नशा बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और दुर्भाग्य तो ये है कि सबसे बड़ा कि 18-19-20 साल का बच्चा एक नशे के तस्कर को ढूंढ ले रहा है लेकिन पुलिस उसको ढूंढने में नाकाम हो रही है। आज हमने जो ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा है वो नशे के खिलाफ है, जो आजकल की बढ़ती पीढ़ी में जो नशा बढ़ता जा रहा है, जो युवा को खत्म करता जा रहा है, अंदर से खोखला करता जा रहा है, उस के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया।